हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज आपके लिए मेरे पास में एक बहुत ही हटके और अलग बॉलीवुड मूवी का रिव्यू है जो रिसेंटली रिलीज़ हुई, जिसका नाम है चेहरे। गाइस, हम सब ने बहुत सारी थ्रिलर सस्पेंस मूवीज़ देखी हुई है, बट इसकी स्टोरी कुछ अलग है। आज तक ऐसी स्टोरी बॉलीवुड में नहीं आई है, तो बस इस स्टोरी के लिए और कुछ नया करके दिखाने के लिए डेफिनेटली एक अप्रिशिएशन तो बनती ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट ऑफ द स्टोरी लाइन दैट इस कहानी का जो मेन इमोशनल एंगल है, विच इज़ कनेक्टेड टू द डार्क सीक्रेट विच हैपन इन द पास्ट। सो इसमें कई सारे राज भी हमें मिलेंगे। एक रिच बिजनेसमैन जिसका किरदार निभा रहे हैं इमरान हाशमी, ये स्नोफॉल में फंस जाते हैं और वहीं नज़दीक रहने वाले किसी घर से हेल्प मांग लेते हैं। ये घर भी थोड़ा सा अजीब है और इस घर में रहने वाले लोग भी, क्योंकि इस घर में रहने वाले सीनियर सिटीजन की जो गैंग है, ये खुद को लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले मानते हैं और किसी भी सिचुएशन में जस्टिस और इंसाफ दिलाना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार ही है। तो जी, ये इस बिज़नेस टाइकन को हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शर्त ये होती है कि वो एक गेम खेलेंगे। उस गेम का नाम है कानून का खेल। जी हाँ, अगर इस खेल में ये मेहमान भाई साहब अगर इनोसेंट साबित हुए तो खुशी से टाटा बाय बाय होगा, लेकिन अगर गिल्टी साबित हुए तो वहीं पे रियल सचमुच वाला फांसी का फंदा इनके गले में लटकाने के लिए रेडी रखा हुआ है। तो गाइज, आप लोगों के दिमाग के तारी मूवी देखते हुए डेफिनेटली हिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ माइनस पॉइंट्स भी है और कुछ प्लस पॉइंट्स भी है। मूवी स्टोरी लाइन की जैसे मैंने बात करी, थोड़ी सी अलग है, हटके है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है, अगर आपने ट्रेलर चेकआउट किया होगा तो बहुत सुंदर सी एक स्नोफॉल की लोकेशन भी दिखाई गई है और कुछ अलग ब्लू कलर की बटरफ्लाइज का एक स्पेशल इफेक्ट भी इसमें दिया गया है, जो इस ट्रेलर को और मूवी को खास बनाता है कहीं ना कहीं। और 70% तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी स्टार कास्ट की वजह से ये मूवी चलेगी, जैसे कि इसमें अमिताभ बच्चन है, इमरान हाशमी है, रघुवीर यादव है, दृष्टिमान चटर्जी है, हम सबकी फेवरेट अनु कपूर भी है, कृति खरबंदा है और उसी के साथ साथ क्रिस्टल डिसूजा भी दिखेगी। तो ये जो स्टार कास्ट है, सबने ही बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके साथ एक ऐसी कैरेक्टर भी है बॉलीवुड की जिनकी एक्चुअली इस मूवी में कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो वैसे भी SSR केस में ख़त्म हो चुकी है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ जिन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। सो एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो अगर स्टार की मैं बात करूँ तो मैं इसे 3/5 देना चाहूँगी, बिकॉज मैंने उतनी एंजॉय नहीं करी, क्योंकि मुझे कोई भी सीन आने के पहले ही पता चल जाता था कि हाँ, अब आगे क्या होने वाला है। तो एंड में जिस तरीके से सस्पेंस को ओपन होना चाहिए, उस तरीके से क्लाइमैक्स खिल के नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक ने गेस कर लिया था कि हाँ, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो आई फील दैट्स समथिंग अ लैकिंग पॉइंट इन द मूवी। सो येस, आई थिंक, बट एनीवेज, आप देख सकते हैं कुछ अलग सी स्टोरी है, सो ओनली फॉर दैट रीज़न एंड फॉर द एक्टिंग ऑफ द बिगेस्ट स्टार कास्ट विच इज़ देयर इन द मूवी। कुछ क्रिएटिव मज़ेदार सीन्स भी इस मूवी में है जो आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। क्रिएटिविटी से मुझे याद आया कि इस मूवी में वॉल पे लगी हुई जो वॉल पेंटिंग्स है, वो आप लोगों को डेफिनेटली देखनी है, बिकॉज दोज आर रियली गोइंग विद द फ्लो ऑफ कानून एंड ऑल लॉ ऑर्डर, ये वो सब। तो इस टाइप की पेंटिंग्स हमने पहले कभी देखी हुई नहीं है, तो हाँ, वो भी एक चीज़ थोड़ी सी हटके इस मूवी में दिखती है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके ये बताना है, ये मूवी देख के, कि आपको क्या लगता है कि इस अदालत का जो लास्ट डिसीजन है, इसमें जजमेंट है या जस्टिस मिला है, और ये जो बिज़नेस टाइकॉन भाई साहब है, इनको इंसाफ मिला है या डायरेक्टली फैसला किया गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अब तक भी अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करी हुई है। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, एक नए रिव्यू के साथ में, या एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।